ज्यादातर घरों में प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सस्ते होने के कारण लोग प्लास्टिक बैग्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक से बने ये बैग्स वातावरण के साथ साथ हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इन्हें देश भर में बैन भी किया जा चुका है। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम सामान कैरी करने के लिए पॉलिथीन बैग्स की जगह दूसरे तरह के कैरी बैग्स का इस्तेमाल करें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। इसका अल्टरनेटिव है कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल कैरी बैग प्लांट बेस्ड मटेरियल यानी कॉर्न स्टार्च से बने होते हैं। इसकी खास बात ये है कि कॉर्न स्टार्च से बने प्लास्टिक उत्पाद सामान्य प्लास्टिक की तरह ही दिखते और महसूस होते हैं। कॉर्न स्टार्च से बने हुए प्रोडक्ट या बैग से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। ये पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और डेली यूज में ये एक सेफ प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से इसकी मांग अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, ताकि आपको इस बिजनेस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल से। कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स बनाने के लिए आपको कॉर्न स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड फूड ग्रेड प्रिंटिंग कलर्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम मशीन्स की बात करें तो बैग्स बनाने के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत पड़ेगी वो हैं एक्सट्रूजन मशीन, फिल्म ब्लोइंग मशीन, कंप्रेसर, बैग मेकिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन और अदर मिसलेनियस एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब वक्त है इसके प्रोसेस के बारे में जानने का। कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न स्टार्च ग्रैनुल्स को एक्सट्रूडर मशीन के हॉपर में फीड किया जाता है, जहां से ये मशीन के बैरल में पहुंच जाते हैं। यहां इन ग्रैनुल्स को हीटिंग एलिमेंट की सहायता से मेल्ट किया जाता है। जब ये मेल्ट एक डिजायर्ड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पर पहुँच जाता है तो इसे डाई की सहायता से फिल्म ब्लोइंग मशीन से पास किया जाता है, जहां से ये डिजायर्ड साइज के अकॉर्डिंग फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे रोल्स के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। इसी के साथ आप क्लाइंट्स या गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रोल पर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिंटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। रोल बनने के बाद बैग्स बनाने के लिए बैग मेकिंग मशीन में रोल को फिट करना होगा, जो फिल्म को डिजायर्ड साइज और शेप में फोल्ड करके इन्हें सील कर देती है, जहां से ये बैग का फॉर्म ले लेता है। लेकिन अगर आपको अपने बैग्स में हैंडल कट करना है तो उसके लिए आपको पंचिंग प्रेस मशीन की जरूरत पड़ेगी, जहां आप अपनी इच्छा अनुसार डी कट या डब्ल्यू कट के हैंडल लगा सकते हैं। जैसे अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मैनपावर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 1 से 2 ट्रेन्ड ऑपरेटर जो मशीन्स को अच्छे से रन कर सके और एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है बिना एरिया के तो आप इस बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, तो इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। वहीं इलेक्ट्रिक लोड की बात करें तो हर मशीन अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, लेकिन आपको अप्रोक्स 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी। कहते हैं
पैसा कमाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस बिजनेस में लगने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में, यानी कि अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर आप 300 से 400 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 20 से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की, तो इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस से आप 20 से 25 प्रतिशत तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। उपयुक्त सभी फिगर्स व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जिन लाइसेंसेस का लेना अनिवार्य है वो हैं GST, उद्यम, NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फैक्ट्री लाइसेंस। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपको वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। आज उद्यमी के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से कॉर्न स्टार्च बेस्ड कैरी बैग्स को बनाया जाता है और इसका बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एक सफल उद्यमी तो आज इस व्यवसाय को शुरू कीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिलहाल के इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आप बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं।